हेलो 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 हेलो, या हू इज दिस? मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ। कैसे है? सब खैरियत है? सर, मैं तो ठीक हूँ परमात्मा की दया से। अच्छा, मुझे आई एम फाइन। सुनने में आया है आप बाहर रहते थे, आए हैं, तो हाँ, मैं, हाँ, इस बहाने में आपसे बात हो जाएगी। जरूर जरूर जरूर, फरमाइए। और कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए, आप कैसे? बस मैं, आपका हेल्थ वेल्थ कैसा आपका? हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बिना देखे तो आप वो ऐसे नहीं जान पाएंगे। बाकी ये है कि ठीक हूँ परमात्मा की दया, शुक्र खुदाए राके यजाना वो भी हम तास्त। अच्छा, नहीं, मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आपका? यानी उस परमात्मा का शुक्र है जो अकेला और बेमिसाल है। अच्छा, बेमिसाल मतलब? बेमिसाल माने उसकी कोई उपमा नहीं है। उपमा? उपमा, मिसाल, मिसाल, अद्वितीय। हाँ, अद्वितीय। हाँ, मिसाल माने इक्वलिटी, बराबरी। अच्छा, तो हाँ वो जरूर, हाँ, फारसी फारसी शब्द है। अच्छा, फारसी शब्द। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप बताइए कैसे, कब तक हैं इंडिया में? हाँ, मैं समझा नहीं, फिर से बोले। मैं मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में कब तक हैं आप? इंडिया में हूँ, अभी क्या 21 तारीख को हूँ इंशाल्लाह। ओ, अच्छा, मतलब 21 तारीख को सुबह सुबह की फ्लाइट है, तो मैं तो मिलना चाह रहा था, क्या अगर संभव हो तो दिल्ली। आज मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में। अच्छा, जी आप दिल्ली में हो। अच्छा, ठीक है जी जी ठीक है। हाँ और कैसे, क्या बोलिए। क्या कैसे क्या चल रहा है? क्या पढ़ाई चल रही है आपकी, या नौकरी में कैसे क्या है, क्या 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 कर रहे हैं? मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। ओ, अच्छा, वहाँ एक कंपनी, आप आईबीएम जानते हैं? हाँ, हाँ, तो ऐसे ही मिडल ईस्ट में कंपनी है जीबीएम करके, गल्फ बिजनेस मशीन। अच्छा, हाँ, मतलब वो आईबीएम का एक मिडल ईस्ट वर्जन आप कह सकते हैं। तो कहाँ, किस जगह पे हाँ, हैं आप? मैं तो दुबई में रहता हूँ भैया। अच्छा, दुबई में? हाँ, इस्लामिक कंट्री है? इस्लामिक कंट्री तो कह नहीं सकते, इस्लामिक कंट्री से दूर ही है दुबई। नहीं, खैर, वो तो इस्लामिक नहीं, वहां पे आप कह नहीं सकते, ये इस्लामिक तो कंट्री को नहीं कह सकते। हाँ, इस्लाम से परिचय हुआ है वहां आपका? नहीं, इस्लाम से परिचय वहां पे हुआ है, लेकिन उसको इस्लामिक कंट्री नहीं कह सकते, वो इस्लामिक कंट्री से बहुत दूर है। तो इस्लाम से कैसे क्या परिचय हुआ आपका? इस्लाम से परिचय मतलब एक दोस्त है वहां पे, कॉलेज में मिला था उनसे, उसका हाँ, नाम आतिफ है। तो अच्छा, मतलब ऐसे बीच बीच में उसके साथ बातचीत चली रही है, सब की चीजों में मस्ती मस्ती तो ऐसे मारते रहे, जैसे हम कॉलेज में स्टूडेंट होके हम करते रहे, तो वो सब तो चलती रहती थी। लेकिन ऐसा उनके बारे में ये सब के मामले में भी बातचीत होते रहा होता था, जी, तो मुझे ज्यादा अच्छी जानकारी मिली फिर इस रिलीजन के बारे में, मुझे और पता चला फिर। तो रिलीजन के बारे में क्या और क्या पता चला आपको? मतलब ये पता चला कि जैसे आप परमात्मा जैसे कहते हैं ना, कि जी क्या कह रहे थे, अकेले हैं हाँ और उनके बराबर कोई नहीं है, तो हाँ हाँ पता चला कि इस्लाम का मैसेज क्या है, मतलब मेन प्रिंसिपल क्या है, कि खुदा एक है हाँ और उनकी ही इबादत करनी चाहिए, कोई आदमी नहीं, कोई जी 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 मूर्ति नहीं, हाँ, तो और वो ये बात, खुदा हम सब। ये बात इस्लाम ने पहली दफा कही, या इस्लाम से पहले किसी ने इस बात को कही थी? इस्लाम ने पहली दफा, इस्लाम मतलब आपका मतलब जानकारी से आपको कब पता चला कि इस्लाम कब आया? फिर जब मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आए तब इस्लाम आया, कि उसके पहले भी था? वो तो कुरान से पता लगेगा। कुल इन्नी उमिरु तो अन अकुना अव्वला मन अस्लम अला तकुनन्ना मिनल मुशरिकिन, सूरह अनाम आयत नंबर 14 देखिए। नहीं, बात ये है कि इस्लाम मोहम्मद के वक्त ही नहीं आया, वो पहले भी था, वही मैं मतलब वही उनसे। हाँ एक मिनट, थोड़ा ऐसा है, मैं भी पूरा इस्लाम का नॉलेज रखता हूँ। आपको पूरा इस्लाम का नॉलेज है? हाँ, मेरा मूल विषय है कॉम्पिटेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस। अच्छा, आप कंप्यूटर। अच्छा, ठीक है, हाँ, मैं ओके। जाकिर नाइक को मात दे रखा हूँ, भारत छोड़वा रखा हूँ जाकिर नाइक को।
मैं क्या क्या मैं समझा नहीं। जाकिर नाइक को भारत से 2 साल से उसकी दुकानदारी बंद करवा दिया हूं मैंने जी। जाकिर नायक को 2 साल से यहाँ पे बंद करवा दिया आपने। हाँ वो भारत में पीस टीवी पर पूरा प्रतिबंध है। पीस टीवी, अच्छा आप जानते हो पीस टीवी, अच्छा अच्छा ठीक है। जाकिर नाइक ही इज ओनली MBBS मुन्ना भाई, अच्छा हाँ नॉट MBBS स्कॉलर, कर रखा है उन्होंने। नॉट ए स्कॉलर फॉर इस्लाम। नहीं उनको नहीं मतलब स्कॉलर, वो कलमा कलमा को शुद्ध नहीं पढ़ सकता, वो अशहदु नहीं कह सकता, असदु बोलता है। अब मतलब सीन को सीन ही, कहे तो हाँ 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 अक्षर के बदलने से अर्थ बदल जाएगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ही उनको जानकारी तो है लेकिन ही नॉट यूज कॉलर स्कॉलर वो स्कॉलर। उसको उस छोड़ी हम अपनी बात करें। या मैं ये हाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि इस्लाम ने ही ये बोला कि अल्लाह एक है और इबादत के लायक ही वही है, उससे पहले किसी ने नहीं कहा? नहीं कहा तो है, मेरे को हाँ जितना पता है कि जी, गीतास में है, और है मतलब है वैसे गीता में भी है शायद कि हाँ, एक ही गीता में नहीं खुदा है, है। हाँ गीता में नहीं, वेद में है। वेद में आया है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, के परमात्मा अच्छा एक है, भिन्न और कोई नहीं, सृजन करता, सृष्टि करता, स्थिति करता और प्रलय करता। मनुष्य मात्र को उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए। वहां वेद में आया है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न पिउच्यते, न पंचम न षष्ठ सप्तम न पिउच्यते, न अष्टम नवम दसम न पिउच्यते। वो 10 ठीक तक है ठीक गिनाते हुए कहा, क्या है दुनिया के लोगों, वो परमात्मा एक है, वो 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 भी नहीं है, वो एक अच्छा है। अब वो ठीक है ठीक धरती पर जब कुरान नहीं आया, उससे पहले आदि सृष्टि में वेद मुकद्दस में ये बात कही गई, ये उपदेश दिया गया मनुष्य मात्र को, तो इस्लाम की बात सही कैसे हम मान लेंगे? है। क्योंकि वेद के साथ भी वही तो सही कह रहा, हाँ एक ही चीज कह रही है ना। तो एक ही चीज कह रही है, तो पहले जो कहेगा उसकी मान होगी या बाद में जो कहेगा उसकी मान्यता है? नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूँ, इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त ही नहीं आई थी, उसके पहले भी वही रिलीजन थी, मतलब जो नबी आए थे ना। मैं कह रहा हूँ कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई कि नहीं आई, वो कुरान से पूछिए ना। मैंने आपको सुना दिया है ना, पारा नंबर 7 सूरह अनाम आयत नंबर 14, कुल ठीक है इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वल मन अस्लमा वला तकूनन मिनल मुशरिकीन। अय अच्छा मोहम्मद तुम कह दो, सबसे पहला मैं मुसलमान हूँ, मैं मुशरिकों में शामिल नहीं हूँ, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ, सबसे पहला ठीक मैं है ठीक मुसलमान हूँ। इस्लाम तो ये जानता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। मैंने समग्र आप इस्लाम को कह रहे चैलेंज हैं दिया क्या। हुआ है कि इस्लाम को कोई धर्म सिद्ध कर दे, कोई माई का लाल अपना बाप का पैदा हुआ होगा, या कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध कर दे। ये पूरा इंटरनेट पे देख लीजिएगा, आप छान मारिए इंटरनेट पे तो हाँ हाँ आप पा जाएंगे कि आज तक 2004 से जाकिर नाइक को फॉलो करता आया हूँ, और 2004 से फॉलो करते करते उसको मैं निरुत्तर कर रखा हूँ। उसके जो पीए है जयंत नहीं। पटेल से, उसकी वार्तालाप मेरी सुनिए, और हाँ जाकिर नाइक के उस्ताद अब्दुल्ला तारिक डिबेट में मेरे साथ हार गया है। नहीं नहीं भैया, मैं तो जाकिर नाइक की तो मैंने जिक्र भी नहीं करी है, नहीं नहीं मैं मैं कह रहा हूँ, जाकिर नाइक सुनता भी नहीं हूँ। हाँ आप नहीं ना, आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हाँ इस्लाम, वो जाकिर नाइक इस्लाम का गॉडफादर मान रहे थे लोग उसको। नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं मैं है। इंडिया में ऐसा ही हो रहा था, भले ही आपके दुबई, वो दुबई लोग में शायद ऐसा करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो जाकिर नाइक कह रहे हैं वही इस्लाम कह रहे हैं, वो भी गलतियां कर सकते हैं, ऐसा नहीं। थोड़ी तो है। मैं अब आपसे यही गुजारिश मेरी है कि मुझे भी इस्लाम कबूल करवा देंगे। अच्छा आपको करना है तो बहुत हाँ बढ़िया तो मैं वही चाह रहा हूँ कि मेरे सवालों का जवाब दे और मैं भी इस्लाम में शामिल हो जाऊं। है। अच्छा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह का मतलब मालूम है आपको क्या? हाँ मतलब मैं हिंदी में शायद समझा ना पाऊँ, नहीं तो फिर अब किस में समझा पाएंगे आप? अरबी में समझाइए। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो आप देखिए, इंग्लिश आपकी मातृभाषा नहीं है, हाँ ये हाँ अच्छा सबसे सबसे बड़ी कमी यही देखिए, जो मातृभाषा आपकी नहीं है आप उसी भाषा में समझाएंगे, मातृभाषा में समझा नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरी मातृभाषा तो खैर ऐसे तमिल है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं हाँ कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं और हाँ परमात्मा ने एक अच्छा माता पिता दिया है आपको,
आपके पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इसीलिए मेरा परिचय हुआ उनसे। हाँ, अच्छा, और आपके, मतलब मैं समझा नहीं आप, मतलब मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ जो उनका परिचय हुआ ना, वो ये धर्म को ही लेकर के हुआ है। अच्छा हाँ, तो उनके विचारों से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि हमारा कोई, हमारा बच्चा, आपके पिताजी हमारे मित्र होने के कारण आपको मैं अपने से अलग नहीं मानता हूँ। तो अच्छा शुक्रिया, मैं नहीं चाहूंगा। अच्छा हाँ, इंशाअल्लाह, शब्द का अर्थ होता है अल्लाह ने चाहा तो। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो हाँ अल्लाह अल्लाह देखिए, ये इस्लाम नहीं जानता है कि इंसानी काम को अल्लाह नहीं कर सकता हरगिज, वो तो अल्लाह कुछ भी चाहे वो कुछ भी कर सकता है कुछ भी वो नहीं कर। तो। अगर, अजय एक मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए, मैं आपको पूरे स्टेशन पे ले जाऊंगा। अल्लाह अगर कुछ भी कर सकता होता तो इबलीस को शैतान सीधा क्यों नहीं करवा पाया? इबलीस को हाँ, आदम के सामने सीधा क्यों नहीं करा पाया? क्योंकि इबलीस ने चाहा ना, ये अल्लाह नहीं ताला नहीं ने नहीं उनको नहीं बहुत अभी तो, सारे अभी चांसेस एक मिनट दिए। एक मिनट, आप जानते नहीं, हाँ आप कुछ नहीं जानती इस्लाम का। अब मैं नहीं तो आपको ऐसे तो नहीं कह कुरान, सकते, मैं ऐसा थोड़ा नहीं बहुत कर जानता हूँ सकते लेकिन बहुत कम। बाबा मेरा। हाँ मैं टटोल लिया हूँ आपको, मैं जान रहा हूँ आप क्या जानते हैं। आपको केवल ऊपर ऊपर की बातें बताई गई हैं, और उसमें केवल कलमा पढ़ने के लिए बताया होगा, और वो भी कलमा 6 नहीं बताया होगा आपको, 2 ही कलमा बताया होगा, कलमा तैयब और नहीं कलमा भैया मेरे शहादत। को कलमा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए आप, ऐसी बात हाँ नहीं है, नहीं आप कह रहे हैं लेकिन आप फिर भी बोले आप। देखिए, उसमें थोड़ा, हाँ आप पढ़े लिखे बच्चे हैं इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। क्योंकि सड़क पे कागज चुनने वालों से बात करने में बात बनेगी नहीं, बात पढ़े लिखे बच्चों से बात करने से बनेगी। ठीक है ठीक है, हाँ, तो उनसे भी हो सकती है अगर अल्लाह ने चाहा तो। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि अल्लाह ने नहीं चाह, अल्लाह अल्लाह की चाह होगी ना, इच्छा होगी तो अनिच्छा भी होना पड़ेगा, तब्दीली आ जाएगी उसके अंदर, परिवर्तन आ जाएगा। मैं समझा नहीं है, फिर से बोल सकते हैं। अगर उसकी इच्छा होगी ना तो अनिच्छा भी होगी। हाँ अनिच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ ठीक अनिच्छा, है, तो हाँ जो इच्छा और अनिच्छा में परिवर्तन हो या परिवर्तित हो, वो कोई और शय बन जाएगा, अल्लाह नहीं बन सकता। मैं समझा नहीं भैया। फिर समझिए, जिसको इच्छा हो और अनिच्छा हो वो कादिरे मुतलक नहीं होता अनिच्छा, है। अनिच्छा मतलब अनिच्छा के माने इच्छा के जिस विपरीत, जिस इच्छा के ऑपोजिट। मतलब जिसको डिजायर ना हो ऐसा। भाई इच्छा, इच्छा को जान रहे ना, इच्छा तो हिंदी शब्द है, हाँ इच्छा जो अगर चाहते हैं, चाहते अगर ना भी चाहते हैं। हाँ तो ठीक है वही। ठीक है, ऐसा। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ तो ये कादिरे मुतलक की बात नहीं होगी, वो एक रस में रहता है सदा सर्वदा, हमेशा हमेशा के लिए आनंदित है, वो आनंद से वंचित नहीं होगा। कौन आनंद से वंचित नहीं होगा। जो परमात्मा है, जो सृष्टि करता, सृजन करता, स्थिति करता है। जो सृष्टि बनाता है, आप ये कह हाँ, रहे हैं। देखिए, अल्लाह में और ईश्वर में अंतर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुरान कहता है, वा तो इज्जु मन तशा वा तो जिल्लु मन तशा बियादिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह ताला अच्छा जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है। ठीक है, अब ये अगर अल्लाह का काम है, तो जो अच्छा आदमी नहीं कर सकता, एक साधारण आदमी भी नहीं कर सकता किसी को बेइज्जत। क्यों नहीं कर सकता कैसा बेइज्जत। बेइज्जत? नहीं, मैं अगर बेइज्जती वाला काम न करूं तो मेरा बेइज्जत करने वाला कोई माई का लाल पैदा हुआ है? बेइज्जती वाला काम हमें करना पड़ेगा, तब हम बेइज्जत होंगे। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर अगर मैंने किसी को गोली मार दी, ठीक हाँ, है ना, अब वो गोली ने उस आदमी को मारा ना। नहीं, गोली का आप क्यों किसी को नहीं मार नहीं जाएंगे? सुनिए मैं सुनिए कह रहा सुनिए, हूं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, तो आप सुनिए। हाँ, तो मैंने मार दी अब किसी को गोली, ठीक है, वो गोली ने आदमी को मार दी ना, लेकिन अल्लाह ताला अगर चाहते वो गोली से आदमी मरता नहीं, ये है इसका मतलब। मतलब वही तो अल्लाह मैं ताला बता, चाह वो सकते। हाँ ऐसा है, ये नानी घर का खेल नहीं है जो आप बता रहे हैं। इसको समझने के लिए भेजा चाहिए, परमात्मा ने हमें बुद्धि दी, हमें मानव बनाया है, हमें मुसलमान नहीं बनाया, हाँ खलकल इंसान बताया है कुरान में भी। नहीं ऐसे, अगर आप इस्लाम की तौरीय से बात करते हैं तो हर आदमी मुसलमान पैदा होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से। और मतलब हर आदमी जो, आप अगर, हाँ इस बात में ना टिक पाए तो फिर क्या दाद देंगे आप?
नास्तिक पाए मतलब यानी इस बात को अगर आप प्रमाणित सिद्ध नहीं कर पाए तो क्या होगा? प्रमाणित, मैं भैया मेरी दरअसल मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है ना, इसीलिए मैं आपकी पूरी बात समझ नहीं, नहीं मैं कह रहा पाता। हूं कि ये आप जो कह रहे हैं कि हर इंसान मुसलमान पैदा हुआ, ये कह रहे हैं ना? अगर हर इंसान मुसलमान पैदा होता तो फिर पैदा होने के बाद उसके दाहिना कान में अजान और बायां कान में तकबीर क्यों सुनाई जाती है? अच्छा भैया, आप मुसलमान का मतलब आप समझते हैं ना? मुसलमान का मतलब खूब समझता मैं, जब आप तो एक भी आयत भी नहीं सुनाए, आप ढो रहे हैं, केवल आप ढो नहीं रहे हैं। नहीं नहीं भैया, मैं सिर्फ ऐसा नहीं, है, ऐसा है। नहीं भैया, मैं नहीं कह रहा कि मेरी मेरी जो इस्लाम के बारे में जो जितना मैंने जाना, मैं नहीं कह रहा कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। नहीं, मैं आपके मैं सामने कुछ भी नहीं जानता होगा, ये भी मुमकिन है। मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ, उसका वही मतलब क्या है आप कह रहे हैं ना? मैं आपसे वही गुजारिश कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ जरूर जरूर तो बोलिए। आप अगर सुनेंगे तो हम हाँ एक कंप्लीट शब्द के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है तो जरूर। अल्लाह ने, आपने कहा कि अल्लाह ने हर एक को इन मुसलमान बनाया है ना? हाँ आप मेरी समझ, मेरे ये भी समझ गया क्या बोले, एक कान में अजान और एक कान में। तकबीर सुनाया जाता है। हेलो हेलो, हेलो, जी कैसे कट गई पता नहीं। सॉरी भैया, पता नहीं मैंने शायद गलती से कर दी हो तो क्षमा चाहता हूँ। कोई नहीं, ऐसा है, देखिए अगर हर इंसान मुसलमान पैदा होता ना तो अल्लाह को यह कहना ही नहीं पड़ता, अर्रहमान कुरान खलक अल इंसान, सूरह रहमान जरूर, ये की सुरा रहमान। तीसरी आयत हाँ में अल्लाह ने बोला, उसने इंसान पैदा किया है बोला। तो फिर अगर उसने इंसान पैदा किया फिर मुसलमान कहाँ से आया? अल्लाह को फिर खलक अल मुसलमान बोलना चाहिए था, खलक अल ईमान कहना चाहिए था। नहीं, भैया मैं आपको पूछ रहा था कि आप मुसलमान का अर्थ समझते हैं? मुसलमान के मानिए सरेंडर टू अल्लाह, हाँ जो मतलब, हाँ आप सही कह रहे हैं, वही वही। वही ईमान हाँ, मुफस्सल, ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मिल में यही बताया, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि तआला वल बअथ बादल मौत। अच्छा ठीक है। ये है ईमान, ये ईमान का दायरा है। क्या इसमें क्या क्या बताया पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको वो बताया नहीं होगा। मेरे साथ मैं तो पूरे इस्लाम की दुकानदारी बंद करा रखा हूँ, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज दे रखा हूँ कि कोई माई कलाल मुझे सिद्ध कर दे इस्लाम धर्म है करके। हाँ अच्छा भैया, शायद आप सही लोगों से मिले नहीं हो इसीलिए आप नहीं, ऐसे कह रहे आप हो। मिला दीजिए, अच्छा आप मैं, अच्छा दुबई ठीक है, मैं दुबई मिला सकता हूँ दु, लेकिन इंडिया में नहीं, ए, दुबई में मिला सकता ऐसा हूँ। है, उसी दुबई में ही मैं न मालूम कितने हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया, अच्छा जिस दुबई में आप रह रहे हैं वहां अच्छा पर ठीक मेरी है। पूरी टीम काम कर रही है, वहां पर इस्लाम के छक्का छुड़े हुए हैं। आप अच्छा वहां ठीक जाकर के इसी है, नंबर पे फोन करना, कौन से नंबर पे? ये जो नंबर पे बात कर रहे हैं आप। हाँ ये तो मेरा पप्पा का नंबर है। हाँ नहीं, वो जो जो मेरा नंबर पे मिलाया गया है ना, अच्छा हाँ पिताजी से ये नंबर ले लेना मेरा, कि अंकल जी का नंबर दीजिए। हाँ तो आप उसी दुबई में जाएंगे तो दुबई में ना मालूम मैंने हजारों लोगों को मुसलमान होने से बचाया है। अच्छा, और क्यों किया आपने ऐसे, मतलब हैं? क्यों किया ऐसे? हमें इंसान बनना है, हमें मुसलमान क्यों बनना है? और मुसलमान तो इस मुसलमान भी कोई इंसान ही हो ना, क्यों नहीं, मुसलमान तो मुसलमान ही होता है, मुसलमान इंसान कैसे हो जाएगा? मतलब एक ही इंसान तो हर, आप भी इंसान मैं भी इंसान। हाँ तो इंसान होना अलग है, मुसलमान देखिए इंसान वही है जो आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जाने, वो इंसान कहलाता है। और ये मुसलमान वही है मतलब जो अल्लाह के नाम से पशु काटता है, वो भी अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर। और जिस अल्लाह को कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम बताया है सूरह फातिहा में, वो अल्लाह रहम करने वाला, अल्लाह अगर रहम करने वाला मेहरबान है तो उन पशुओं पर अल्लाह ने रहम किया क्या जिसके गले में ये छुरी चला रहे? सब पे रहम किया है। अभी दो नाम है ना, अर रहमान और अर रहीम, हाँ और क्या, रहमान जो, हाँ तो रहमान और रहीम में फर्क, रहम करने वाला मेहरबान, रहमान रहमान का मतलब ये है कि जो भी,
मतलब फर्क नहीं पड़ता हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जू हो, नहीं नहीं ये हम सब पे है। मैं बता रहा हूँ कि आप इस्लाम को नहीं जानते हैं, मैं इतना कुछ सुना दिया हूँ, इसके बावजूद भी आप इतना हमें समझा रहे हैं, आपको समझना चाहिए, इतना तो अकलमंदी तो होनी चाहिए आपके पास, पढ़े लिखे बच्चे आप। हाँ हाँ भैया है, लेकिन तो इसलिए तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बात अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है कि मंजिले मकसूद तक हम दोनों पहुंच जाएं। कौन से, मैं समझा नहीं, फिर से बोले। यानी अगर मेरी बात को आप सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो हम सही स्टेशन पे पहुंच जाएं, ये कह रहा हूं मैं। इंशाल्लाह। हाँ फिर यही बीमारी जो पकड़ लिया है, यही बीमारी गलत है इंशाल्लाह। नहीं ये बीमारी नहीं यार, हम ये मानते हैं कि मैं बता कोई भी आप, काम करे ना, कोई नौकरी के लिए जाए या कुछ खाए या कुछ भी करे, अगर खुदा ने ये नहीं चाह कि हम नहीं करें तो हम कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं अगर मैं खाना भी चाह तो मैं नहीं कर, अगर वो नहीं खाते तो हम नहीं खा सकते, वो हम मानते हैं। ऐसा है, यही तो मैं एक चीज, बिल्कुल आदमी को ब्लाइंड नहीं बनना चाहिए ना। ब्लाइंड बिल्कुल नहीं है भैया, मैं इस्लाम कहा मैं इस्लाम इस्लाम बिल्कुल अंधविश्वासी है। ये बिल्कुल इस्लाम नहीं है, मानूंगा। ये इस्लाम है, ईसाइयत, जितने भी मजहब हैं, ये सब मजहब जो है वो कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 देखिए, आयत नंबर 85 देखिए, इन्नद्दीन इंदल इस्लाम। हाँ इसका, हाँ इस्लाम ठीक है, मैं समझ गया, मतलब अल्लाह ताला की आंखों में इस्लाम। हाँ नहीं नहीं बोलिए अल्लाह बोलिए, ताला आप की बोलिए। आंखों में नहीं, वहां आंख शब्द नहीं है, अच्छा मतलब अल्लाह मैं का। हिंदी में बता नहीं पा रहा। ए सुनिए, मेरी बात सुन लेंगे ना तो आप अपने जहन में इसको बिठाइए, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप मेरे पुत्र बत हैं और मैं बताइए। आपसे, हाँ मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी बात को फिर समझिए। अच्छा अल्लाह ने कहा सूरह अल इमरान आयत नंबर 19 नोट कर लीजिए, और आयत नहीं नहीं नंबर, नहीं मेरे को पता है। हाँ हाँ आयत नंबर 85 अच्छा के एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तो एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम अगर है, दीन दूसरा नहीं है, तो फिर अल्लाह ने सूरह काफिरून में वो कैसा कह दिया कि लकुम दीन हुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, हमारा दीन हमारे पास, वो दूसरा दीन कहाँ से आ गया? हाँ हाँ सूरह काफिरून में यही बता रहे हैं कि मतलब जो आपकी धर्म है, मतलब जो क्या अरे बोलते हैं यहाँ जिस एक एक बिलीफ। यहाँ तो तीसरे सूरह में बताया गया कि एक इस्लाम को छोड़कर दूसरा कोई दीन नहीं है, वहां दीन दूसरा कौन आ गया? नहीं 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 ऐसा नहीं है ना भैया, ऐसा नहीं क्या है, ऐसा नहीं है? मतलब वो इमरान, सूरह इमरान की आप जो बात कर रहे हैं ना, हाँ तो उसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के नजरिए में, मतलब मैं हिंदी में शायद गलत बता रहा हूँ ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं आप इमरान ऐसा ने है, कि आप इस्लाम के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, किसी गधे ने आपको पाठ पढ़ा दिया है और उन गधों के चंगुल में आकर के आप फंस गए हैं, आपने अपने भैया उस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ उसको ना समझ रहे हैं, ना समझने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं ऐसी मैं बात नहीं है इतना भैया, इतना अब देखिए, मैं सारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मैं सब यूट्यूब में डालूंगा, आप जरूर रिकॉर्डिंग करें और यूट्यूब पे भी ये बात डाल दें। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं मेरे को समग्र मुझे हाँ समग्र धरती पर जो इस्लाम है, समग्र धरती के इस्लाम को मैं बोली बंद करा रखा हूँ, कि कोई माई का लाल अपने माता पिता का जन्म लिया हुआ होगा, कोई मुझे इस्लाम को सिद्ध कर दे कि इस्लाम धर्म है और कुरान कलामुल्ला है, ये सिद्ध कर मैं दे। आपको वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप दुबई आए, आप मैं आपसे लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं इंडिया में नहीं जानता ना। मैंने इंडिया में मत जानिए, आप दुबई में जाकर के इसी नंबर पे करिए, मैं दुबई में ही आपको बता दूंगा, और दुबई में ही हमारे लोग आपको रोक लेंगे, और उन जिन जिन जरूर गधों ने आपको बनाया है उन गधों को भी वापस लाएंगे। आप क्यों ऐसे नाराज हो रहे हैं भैया, आप गुस्से हो रहे नहीं हैं? नाराज नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल नहीं। मैं यथार्थ बता रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप तो सच्चाई से विमुख हो गए, आपको मालूम है कि ऐसी बात नहीं है भैया, अगर भाई मेरा मेरा ठीक ऐसा है, मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप, आपको पता है लगेगा, ये आप तो जानते हैं, अभी इस्लाम में माँ माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताया जाता है। नहीं, वो एक्चुअली जो आप कह रहे हैं ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, वो एक अभी हदीस जो है ना, हदीस में भी कुछ होता है दईफ हदीस होता है और कुछ होता है मतलब स्ट्रॉन्ग हदीस, ऐसा तो है, जो आप मैं बता रहा हूँ कि वो हदीस खोलूंगा ना मैं, वो जईफ, और जईफ के माने होता है बुढ़ा, नहीं नहीं मतलब मैं मैं वीक वीक की बात कर रहा हूँ। इतना मैं बता दिया हूँ, लेकिन इतना बताने के बावजूद भी आप मेरी बात को ना तो सुनने का प्रयास कर रहे हैं ना विश्वास कर रहे हैं। विश्वास ना करिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, उस पर विश्वास कीजिए आप, लेकिन सुनने का भी तो धैर्य रखिए।
हाँ भैया, मैं क्या देखिए उसमें मैं बता रहा हूँ बुखारी शरीफ के हदीस के बाब नंबर 46 हदीस नंबर 51 को देखिए, वहां पर अब्दुल्ला इब्ने मसूद नाम की सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, قال قال عبد الله ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم कि हमारे लिए अफजल अमल क्या है, उत्कृष्ट कार्य क्या है, तो उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम क्या है, अच्छा हाँ सबसे अच्छा काम क्या है, तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा काम है قال الصلاة على ميقاتها, समय पर नमाज पढ़ लेना, ठीक है। तो फिर वो दोबारा पूछा, अभी खैर मेरा आप जानते हो मेरा समय हो गया है, लेकिन मैं अब मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं ठीक है आप बताइए, आप फिर भी फरमाइए। तो उन्होंने दोबारा पूछा कि अच्छा। दूसरा काम क्या है, तो वहाँ कौला सुम्मा बिरुल वलिदैन बताया कि माँ बाप का सेवा करना ये सबसे बड़ा काम है। हाँ माँ बाप का सेवा करना सबसे बड़ा काम है। हाँ नमाज के बाद। हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं। हाँ अच्छा, फिर तीसरे बार भी पूछा उन्होंने कि कुल तो, हाँ कुल तो सुमायून, इससे भी और बढ़कर अच्छा काम, तो قال الجهاد في سبيل الله فسكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। जिहाद तो बहुत ही बड़ा वर्ड है, मतलब अब बताइए, अब बताइए दूसरे का कत्ल करना, दूसरे का शिरच्छेद करना, ये इंसान का काम है कि हैवान का काम है, कसाई का काम है? कौन सा? दूसरे को कत्ल करना। ना दूसरे को कत्ल करना, हाँ कोई इनोसेंट को मरना आप कह रहे हो ना। अब कुरान में ऐसी हजारों आयतें हैं, आप इंटरनेट पे जाइए, इंटरनेट पे जा करके आप गूगल को खोलिए, गूगल जरूर ठीक है, और गूगल को खोल करके वहां पर आप देखिए यूट्यूब में ही, जहां जाकिर नाइक का लग रहा है वहां पर मेरा लग रहा है और पाकिस्तान के बहुत सारे आलिमों का लगा हुआ है। अच्छा हाँ वहां पर आप चैनल महेंद्र पाल आ रही है, खोलिए उसको। अरे भैया वापस जाकिर नाइक में। नहीं जाकिर नाइक मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि उसने इस तरीके का काम किया था भारत में, और इसीलिए भारत से उसकी दुकानदारी खत्म हो गई, ये कह रहा हूँ। ठीक है आप यूट्यूब में जाकर के महेंद्र पाल आर्य ऑब्लिक चैनल खोलिए, अब उसमें देखिए अच्छा। वहां महेंद्र पाल आर्य के नाम से मुझे जानते हैं दुनिया, ठीक है यूट्यूब में वो इंटरनेट पे। अच्छा ठीक है, ठीक है भैया। हाँ तो उसको देखिएगा, उसमें अगर कहीं पर भी संदेह हो शक हो, जो मेरा डिबेट हुए हैं अब तक इस्लाम जगत के विद्वानों से, तो उन डिबेट को सुन करके आप देखिए, अगर उसमें कहीं पर कोई सवाल आपका हो तो मैं आपके पिताजी का मित्र होने के कारण पूरा अधिकार मैं आपको देता हूँ, आप जब चाहे तब मुझे बात करें। जरूर जरूर, महेंद्र पाल आ रही है ना। हाँ ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नहीं मैं आपके पिताजी के इस मनोव्यथा को मैंने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया कि हर माँ बाप अपने बच्चों को तैयार करते हैं कुछ उम्मीदें लेकर के, कुछ आशाएं आकांक्षा लेकर के, लेकिन आप उन माता पिता के आशाओं में पानी फेरे ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी। आप मेरे बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, और आपके पीछे इतना पैसा खर्चा उन्होंने किया है, लगाया है कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, आपको दुनिया दिखाया है, उनके एहसान मंद होना चाहिए था आपको। जरूर, तो उनको उनके दिल में सदमा पहुंचाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखूं कि आप मेरे टच में रहेंगे। हाँ ठीक है भैया, आप वही मैं आप कह दिया ना महेंद्र पाल आ रही है ना। हाँ उसको आप महेंद्र पाल आ रही है, नेट में मेरा नाम है महेंद्र पाल आ रही है, इंटरनेट पे मेरा नाम महेंद्र पाल आर्य के नाम से ही चलता है। अच्छा अच्छा हाँ भैया, जाकिर नाइक के बड़े पीछे पड़े आप। नहीं जाकिर नाइक के पीछे नहीं पड़े, हम समग्र इस्लाम के पीछे पड़े हैं, इस्लाम को दुनिया से, सेमेटिक इस्लाम है, इसको दुनिया से मिटाना है। ऐसा हो ही नहीं। हाँ हो जाएगा भाई, जो जो जन्म लेता है ना जो, वो मरता है, जो जन्म लेता है। एक मिनट, परमात्मा की आप बात कर रहे हो ना, वो भी ये नहीं चाहेंगे। नहीं 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 नहीं, मैं चाहेगा कैसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अच्छा। सुनिए, आप सुनेंगे समझेंगे तभी बात। देखिए मुसलमान दुनिया में बनाया जाता है,
ईसाई दुनिया में बनाया बनाया जाता है, कौन? मुसलमान भी दुनिया में बनाया जाता है, ईसाई भी दुनिया में बनाया जाता है, बौद्धिक ईसाई कौन है? क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन। अच्छा क्रिश्चियन, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, क्रिश्चियनों के साथ भी मेरा डिबेट है, यहोवा विटनेस वालों के अच्छा। साथ। हाँ, यहोवा विटनेस वर्सेस वन महेंद्र पाल आ रही है, उसमें देखेंगे, वो यूट्यूब में वो भी लगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब दुनिया में हाँ बनाए जाते हैं, और जो बन करके आया अच्छा, वो क्या था? बंद करके आया था, बनाया हाँ, जाके जो बंद जो करके जो आया। जो माँ के गर्भ से निकला वो क्या था? मैं समझ रहा नहीं आपकी बात। अरे भाई, जो धरती पर जन्म लिया, आप जब धरती पर जन्म लिए थे तो आप क्या थे? हाँ, वही ना, मैं कह रहा हूँ अभी इस्लाम के तौरिये से अगर हम बात करें तो हम सब मुसलमान बने हुए, एक मिनट, मतलब मैं हमें कुछ एक पता एक नहीं एक रहता। मिनट हम एक मिनट एक मिनट, अब फिर मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप मुसलमान थे फिर मुसलमान बनाया क्यों गया? मुसलमान बनाया क्यों गया? हाँ मुसलमान बनाया क्यों गया? हाँ अब ये आप देखो, ये अगर सवाल का नहीं नहीं जवाब। ये आपकी हाँ बात ही मैं कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हर मुसलमान पैदा होता है, अगर आप मुसलमान पैदा हुए थे तो फिर आपको मुसलमान हाँ बनाया क्यों गया? ये एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, मुझे नहीं पता यार, मुझे सच में तो नहीं मैं पता। इसी हाँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अंधकार हाँ में लाठी मत घुमाइए। हाँ, अच्छा, अंधकार में लाठी घुमाना खूब अच्छी बात नहीं है, नहीं नहीं भैया हर ऐसी, चीज को एक है? नहीं नहीं एक चीज समझिए, मैं अगर आपको कुछ उत्तर नहीं दे सका इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर नहीं है, नहीं मुझे नहीं नहीं आता होगा। मैं तो हाँ वही बोल रहा हूँ कि आपके पास भले ही हाँ ना अरे हो, आपके मैं उस्ताद तो स्कॉलर ना, जिन्होंने आपको इस तक यहाँ तक पहुँचाया है, उनसे दिलवा दीजिए ना, उनसे मैं चुनौती दे रहा हूँ उनको ही। क्या क्या? हाँ अच्छा, आपको हाँ, डिबेट करना। जिन्होंने आपको बनाया है उनसे दिलवा दीजिए जवाब। हाँ जरूर जरूर, मैं तो मेरे से कितने तो गया, मेरे को क्या पता, कुछ भी नहीं पता, मुझे तो बहुत कम पता है। नहीं, बहुत ही इंसान को तो बहुत, कोई वो कान इंसान ज़ईफ़ा, कुरान खुद कह रहा है इस बात को कि इंसान शुरू से ही कमजोर है। हाँ, अच्छा इंसान तो इंसान का ज्ञान अल्प है, हाँ तो उसमें कोई नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप भले ही आप जवाब न दे पाए, लेकिन आपको जिन्होंने बनाया है उनसे जवाब दिलवा हाँ दीजिए कि जरूर अगर मनवा सकता हूँ, मुसलमान दुबई पैदा, आएंगे तो नहीं, मनवा सकता ये हूँ ना। केवल एक सवाल, एक ही सवाल है कि अगर मुसलमान पैदा होता है तो मुसलमान दुनिया में बनाया क्यों जाता है? अरे क्यों बनाया जाता है ये, कैसे पता यार, अरे भाई, मुझे नहीं पता इसका आप जवाब जब कैसे जन्मे दूँ, थे तो आप मुसलमान मुझे थे नहीं ना, पता। आप जब जन्मे थे हाँ आप मुसलमान थे, हैं? हाँ ठीक है, हाँ सही कह रहा हूँ। हाँ क्या सही कह रहा है? आप जब, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बोलिए ना, जब आप जब जन्मे थे तब मुसलमान थे, हैं? जन्मा, हाँ, अगर मुसलमान थे तो फिर आप दोबारा कलमा क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि ये मानते कि जब हम सब मुसलमान पैदा होते हैं ना, तो फिर जो क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट होता है ना, जो हम जिस एनवायरनमेंट में हम सब बड़े पल ये पर के वो तो होते कोई हैं। पागल ही होगा, इन नालायकों को किसी पागल खाना में भी जगह मिलने वाला नहीं है। ये पार्ट जो आपको पढ़ाया, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आपकी बाकी नॉट जिंदगी ट्रू, भर, नॉट ट्रू एट बाकी ऑल। जिंदगी पर मैं ये चुनौती दे रहा हूं कि कोई आकर के ये सिद्ध कर दे कि हम मुसलमान पैदा हुए, हमें बनाया नहीं गया आप फिर से दोहरा सकते हैं, है। सृष्टि फिर से दोहरा सकते हैं? बनाना, नहीं, आप फिर से जो आपने अभी बोला आप दोहरा सकते हैं? मैंने कहा कि आपने बोला कि हर को मुसलमान बनाया, हर कोई मुसलमान बन करके आया, बोला ना? तो अगर हर कोई मुसलमान बन करके आया तो फिर मुसलमान बनाया क्यों गया, बनाया क्यों जा रहा है, बनाया क्यों जाता रहा है? ये मैं आपको नहीं पता ना भैया, मैं नहीं, मुझे हाँ, तो वही मुझे तो नहीं, ये नहीं पता मैं कैसे आपको आपको जवाब दूँ। आपको पता नहीं है कि आपको जिसने बनाया, मैं उसी से ही आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि आपके द्वारा उसी से आप जवाब दिलवा दीजिए हमें कि भाई, हम अगर मुसलमान पैदा हुए तो हमें मुसलमान क्यों बनाया तुमने, यही जवाब दे दे, एक जवाब दे दे बस। भैया मैं खुदा नहीं हूं ना, मैं उनकी मैं थोड़ी सोच सकता, वो कैसे सोच रहा है? ये खुदा खुदा ने आपको बनाया मुसलमान अभी जैसे अभी आप कर्मा में मानते हो ना, है? आप मतलब आप हिंदू हो के आप कर्मा में मानते हो ना, कर्मा मतलब जो आप पिछले जन्म में आपने जैसे आपने जिंदगी बिताया था। हाँ कर्म कर्म, कर्म नहीं है पुनर्जन्म, वो कुरान में भी है पुनर्जन्म, मैंने चार जगह से प्रमाण दिया कुरान से। अरे भैया अगर आप ये कह रहे हो तो फिर ये गलत बात है। कैसे?
अब आप जानते नहीं हो, आप जानते नहीं हो, आप गलत बात है, मैं कुरान से हवाला देता हूँ, तुम्हें गलत कैसे हो जाएगा। अच्छा आप बताओ और एकदम कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ही बताओ, सब बताओ ठीक है, क्योंकि ये कुरान में ही, कुरान में ही सूरह बकर में देखेंगे, कई फतक फुरून बिल्लाही वकुंतुम अमवातन फअहयाकुम। क्या बात कर, सुम्मा युमीतुकुम, हैं, हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। कैसे जुड़ रहा था तुम अल्लाह को, तुम्हारे में जान नहीं था, मैंने तुम्हें जिंदा किया, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारे जाओगे, फिर जिंदा किया, वो तीन बार बोला। अरे भैया वो री इंकारनेशन क्या नहीं था, वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही है, आप इस्लाम का आ नहीं जानते हो लेकिन फिर भी मुझे पढ़ा रहे हो, बताओ इससे बड़ी मूर्खता क्या है। मैं आपको पढ़े क्या लिखे, नहीं, पढ़े नहीं, क्या क्या पढ़े लिखे, मैं ये नहीं समझ पाया, ये एक नहीं चार, फिर वहाँ और बोला कुल हल उनबिकुम बिशरी मिन ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت। अच्छा बढ़िया, अल्लाह हाँ जिसने शैतान की परस्तिश की उसको अल्लाह ताला बनाएंगे बंदर और सुअर। अब सुअर का नाम लेना यहाँ मुसलमान गुनाह समझते हैं, वहाँ अल्लाह ने खुद सुअर कह दिया। अरे नहीं यार अब मतलब जो आप सिक्की खोल करके देखो। नहीं नहीं भैया जो आप अभी जो आप कोट कर रहे हैं ना वर्सेस, अभी आप डायरेक्ट आप वर्बेटिम मीनिंग ले रहे हो ना उसके, मैं आपको कह रहा हूँ हर उसका मैं अभी आप कुछ अगर कोट करेंगे ना कुरान से, हाँ, और उसका अगर आप क्या हाउ डू यूज कॉन्टेक्स्ट। ऐसा है जब आप उसको जानते ही नहीं है, आपको साल दो साल तीन साल हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ, अब उसने में क्या जानेंगे इस्लाम को, सन धर्म। हाँ भैया मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी कुरान से आप कुछ कहते हैं ना, कुछ आयात आप कहते हैं और उसका आप संधर्म नहीं जानते, तो फिर आप अगर वर्बेटिम अगर आप उसका मीनिंग लेंगे ना तो फिर कोई भी गलत समझेगा। नहीं कोई भी गलत, वह गलत है, कितने ऐसे कितने इसलिए ऐसा, अरे ऐसा थोड़ी है, कितने सारे आयात ऐसे है कुरान में जो अगर आप ऐसे ही लेके आप फिर बोल देंगे इसका अर्थ ये है, तो ये थोड़ी है कि यही कह रहा है। अरे उसका हर बोलेंगे जो बोल है ना, नहीं नहीं आप जो बोलेंगे उसके शब्द उसका शाब्दिक अर्थ वही नहीं होगा। मैं अब तक आधा घंटा से ज्यादा हो गया, मैं अब तक सारा प्रमाण कुरान का ही दे रहा हूँ, हदीस का दे रहा हूँ, अरबी जुबान में दे रहा हूँ, और आप उसको जानते भी नहीं हो फिर आप टांग अड़ा रहे हो, बोला आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कौन है। ठीक है भैया आपको जिसने बनाया उनसे बात कराओ, जिसने जिसने आपको बनाया है, हाँ यानी जिसने आपको इस्लाम का पाठ पढ़ाया है उससे बात कराओ मेरी। अच्छा वो तो अभी सऊदीया में, हाँ वो सऊदीया में हो चाहे जन्नत में हो या अल्लाह, लेकिन लेकिन मैं आपको जरूर मैं आपको बात जरूर करा सकता हूँ। हाँ, उसको उसको बताना कि जैसे मेरे को तुमने बनाया है ऐसे ही मेरे अंकल जी को बना दो। अच्छा भैया वो मेरे से अच्छी हिंदी और उर्दू जानते हैं, मैं आपको अभी उनसे आपसे बात कर सकता जरूर बात। हाँ बिल्कुल, मैं तो देखिए मैं तो यही आपसे यही विनती कर रहा हूँ ना, आप जानते नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी जानकार आदमी से मेरी बात करा दें आप और वो मुझे समझा दे, और आप इसी तरीके से बोले आप उनको कि भाई जैसा मुझे आपने बनाया है ऐसे मेरे अंकल जी मेरे पिताजी के दोस्त हैं उनको भी आप बनाओ ऐसे ही, और उनके कुछ अच्छा उनके सवाल का जवाब दे दो तो वो भी बन जाएंगे। जरूर 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 भैया मैं आपको जरूर उनसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी वो नहीं है। ठीक है वो हिंदी मेरी है अच्छी नहीं है, हिंदी में मैं समझा हाँ। दूंगा उसको, अरबी में भी समझा दूंगा, फारसी में भी समझा दूंगा, उर्दू में भी समझा दूंगा, मैं साफ लैंग्वेज ऑलवेज पढ़ता हूँ बोलता हूँ लिखता हूँ। अच्छा भैया मैं अभी मैं आपको उनका नंबर भेज दूंगा, आप जरूर उनसे बात करें। नहीं मेरे एक दोस्त है, हमें नंबर भेजिए मत, हमें उनसे बोलिए कि हमें आपने जैसा बनाया है ऐसा ही हमारे अंकल जी को बनाई, वो मेरे पिताजी के दोस्त। कैसे उन्होंने कैसे बनाया, मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं, यानी आप इस्लाम से प्रभावित मुतासिर किससे हुए, उसी से ना। हाँ मतलब ठीक है उसी से, वो हाँ, अकेला तो, नहीं था, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसने आपको इस्लाम का पाठ पढ़ाया है उसे आप कहें कि आप मेरे पिताजी के दोस्त को भी बनवा दीजिए, उनके कुछ सवालात हैं उनका जवाब दे दीजिए। जरूर 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 जरूर, वो मेरी सी हिंदी उसकी इनकी अच्छी है, वो मेरे ही उम्र के हैं, आप जरूर मैं उनसे आप हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना विनती कर रहा हूँ कि जैसा आपको उसने बनाया है इस्लाम का पाठ पढ़ाया है वैसे ही आप ये कहना
कि वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं, वो भी बनना चाहते जरूर हैं, लेकिन उनके कुछ सवालात हैं, उनका भी उनको जवाब दे करके उनको भी बनवा लो। जरूर 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 अगर जरूर। मुझे कोई बना दिया तो मैं लाखों की तादाद में बनवा दूंगा। और आपको ऐसे आदमी से परिचय करा देना जो मतलब हिंदी में अच्छी बोल सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उनपे एक शर्त लगा लेना कि अगर उनको नहीं बना पाए तो फिर बनना उनके साथ है, वो जो बने हैं वो उसको वही बनना है। अरे क्यों, ऐसे क्यों, अगर जवाब नहीं दे पाएगा तो बना कौन पाता है, हम थोड़ी बनाते हैं यार मुसलमान। नहीं, देखिए आप भाग रहे हैं, अब आप भाग रहे हैं। नहीं, अरे भैया अभी क्या कहते हैं, गाइडेंस का मतलब वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, हम तो नहीं नहीं सिर्फ नहीं 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 ये यही तो ये पर देखिए, गेहूं हम बोते हैं लेकिन उस गेहूं के अंकुर बना करके उसमें गेहूं लगाने का काम मेरा नहीं है, काम बटा हुआ है। हम इंसानी काम जहाँ खत्म होता है वहां अल्लाह का शुरू होता है, जहाँ अल्लाह का खत्म होता है वहां इंसान का शुरू होता है। जब गेहूं पक अच्छा हो एक एक जाता है। बात बता अच्छा अच्छा भैया एक बात बताएं, जब आप नौकरी करते हैं ना हाँ तो आप क्या मतलब बिना नौकरी के अगर आप घर में बैठे रहे और अल्लाह ताला को बोलते रहे कि मेरे को पैसे दिलाओ पैसे दिलाओ, लेकिन आप घर में बैठे रहते कुछ काम नहीं करते तो अल्लाह ताला आपको देंगे ऐसे? और ताला नहीं आपने है वो कुछ तो, आपने खुद से कुछ भाई ये ऐसा प्रयास है, नहीं किया हो? ऐसा है मैं इतना कुछ हाँ बोलने के बावजूद भी आप उसको फिर नहीं समझ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ हाँ कि उस अल्लाह का ताला बंद करवा दूंगा मैं। हेलो। हाँ कि ऐसा क्यों ना बात करूं, नहीं भैया किसी के धर्म के बारे में किसी का मजाक यही उड़ाना तो एक मैं अच्छी बता रहा किसी हूँ। फिर किसी के के बारे में फिर उसी उसी मूर्खता पे आ गए कि किसी के धर्म कैसा हो जाएगा। देखो मूर्खता। इस्लाम ने बोला एक ही धर्म है, फिर किसी के धर्म कहाँ से आ गया। हाउ आई एम नॉट नेवर मेड अ जोक दैट आई वाज लाइक यू शुड नॉट इंसल्ट एनीवन, हैव आई इंसल्टेड? नहीं, इस चीज को फिर समझिए। जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि एक ही दीन है इस्लाम, तो दूसरा धर्म आ गया कहाँ से? फिर अल्लाह का कहना कौन सा अरे सही नहीं होगा? ना वो ही समझ रहे हैं ना, वो संदर्भ हमें नहीं समझ हमें रहे क्यों हैं। हमें क्यों समझा रहे हैं? आप एक हमें आयात आप हमें भाई मेरा, मुझे समझाने के बजाय खुद समझते क्यों नहीं? भैया आप कुछ आयात कह रहे हो और मेरे को कह रहे हैं अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, आप वही मैं मैं बोल रहा ये हूँ, कह रहा हूं, आपको संदर्भ नहीं पता। मैं देखिए उसका सारा संदर्भ मैं मुझे आपको दे इंग्लिश रहा में हूं, इसका वो अर्थ इसके पता है लेकिन बावजूद आप जिस तरह, नहीं भैया सुनिए एक सुनिए एक मिनट, नहीं नहीं भैया आप आप सुनिए, आप समझने जो के कह रहे हैं बजाय मेरे को मुझे समझा रहे हो, बताइए इससे बड़ी मूर्खता और क्या है? जब मैं इतना अरे प्रभाव भैया दे रहा हूं, इतना हवाला अगर देने के बावजूद भी आप मेरे समझने की बात नहीं नहीं बताएं, नहीं आप भैया मुझे आप समझा रहे सुनिए हो। सुनिए, नहीं नहीं भैया मैं वो बता मेरे को आप रहा आए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि आपने जिसको मुसलमान बनाया है आपको, आप उससे कहो कि मुझे भी वो बना दे, मैं लाखों की तादाद में बनवा दूंगा मुसलमान। नहीं नहीं भैया सुनिए सुनिए, आप मेरे को एक आयात बता रहे हैं और उसका अर्थ आप मेरे को हिंदी में बता रहे हैं ना, हाँ मैं आपको कह रहा हूँ वो अर्थ हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में मैं आपको सही अर्थ बता सकता हूँ, क्या वो अरबी आप समझ गए? अरबी का सेकंड लैंग्वेज उर्दू है कि अंग्रेजी है? भैया मेरे को नहीं आती ना अच्छा उर्दू ठीक है ठीक है, ढंग से। हाँ आप बताओ तो वहां जो आया है, मतलब सो मैं हाँ आपको आयत दे देता हूँ, आप उसी आयत के अर्थ हाँ पढ़कर सुनाइए। इन्न दीन इस्लाम आप कह रहे हैं ना। आप सूरह आल इमरान हाँ आयत नंबर मैं इनको उन्नीस बताता हूँ, आयत नंबर 19 पढ़िए। ओके ही इज कोटिंग समथिंग, ओके द एक्चुअल मीनिंग इज इस्लाम इज द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द आइज ऑफ गॉड, हाँ बिल्कुल, ही इज सेइंग। हाँ सो ही इज सेइंग दैट इट इज द ओनली रिलीजन दैट प्रेजेंट, देयर इज नो अदर लाइक दैट ही इज सेइंग, बस सो इतना टेल हिम ही दैट है इट इज द ये, वहां ओनली केवल रिलीजन वहां एक्सेप्टेबल इन द उतना आइज ऑफ ही है, गॉड। उतना सो हाउ लंबा डू आई टेल दैट उतना टू यू? लंबा क्यों करने जा रहे हो आप? मैं कह रहा हूं कि वहां पर एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, यही अल्लाह बताया ताला ना तुम्हें है? हाउ डू यू यूज अबाउट एक्सेप्टेबल, हाउ डू यू ट्रांसलेट दैट? फिर मैं बोल रहा हूँ, हर लफ्जी माने क्या, देखिए वहां एक हाँ शब्द आया इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, ये शब्द हाँ आया, तो वही हाँ एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम तो है। नहीं नहीं जो इसका ही सेइंग यार एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, दैट्स व्हाट ही इज इंटरप्रेटिंग इट एज़, नो दैट्स नॉट द केस। हाँ तो ये इसका मतलब ये है, हाँ तो इसका मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं ना, इट मीन्स इस्लाम अल्लाह एक ही दीन है की कि नजरिए में, हाँ अल्लाह के नजर में जो एक एक की एक नजरिए में एक इस्लाम ही स्वीकार है और कोई धर्म नहीं है, ऐसा हाँ है इसका बस बस अर्थ। बस बस, बस, बस वहीं रुकिए। फिर हाँ जब यही हाँ बात है वो अल्लाह कह रहे हैं, फिर दूसरे का धर्म कहाँ से आ गया? या जब ये फिर अल्लाह की बात झूठी हो जाएगी ना फिर? अरे आप क्यों ऐसा मतलब अरे क्यों, हम कैसे, तुम इसको समझ क्यों नहीं रहे हो भाई? नहीं समझने की बात नहीं है, जब बार वहां बार आप ऐसे ये बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो आपके चचेरे भाई है, उनको दीजिए, मैं बताता हूँ उनको। कौन चचेरे भाई?
आपके पास थे ना अभी जिन्होंने आपको फोन हाँ किया? मैं, हाँ महेंद्रपाल जी, मैं आ गया। हेलो। हाँ महेंद्रपाल जी, मैं बोल रहा हूँ, हाँ यतराज जी, बोल रहा ऐसा हूँ। है। हाँ जी, ऐसा है, जब वहाँ अल्लाह ने खुद बताया है कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, ठीक है, इनको अपने भाषा में ये समझाइए, फिर अल्लाह दूसरा को धर्म को किसका मान लिया, तो कौन सा कहना अल्लाह का नहीं सही होगा? पहले वाला जो बोला वही सही है, पहले बाद में जो बोला वो सही है? भाई, ये अपने भाषा में समझाइए, एक जगह नहीं, वहां दो जगह दिया हुआ है, वो आयत नंबर 19 में है और आयत नंबर 85 में है, इसी सूरह में, सूरह आल जी, इमरान में। नहीं, पर वो जो भी पढ़ रहा है वो ट्रांसलेशन पढ़ रहा है, हाँ, उसको खुद अरेबिक तो आती वो जब नहीं है। उसने उसने अल्लाह ने खुद कहा है कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, तो फिर दूसरे को धर्म बताया बताया जा रहा है, वो दूसरा धर्म अल्लाह के नजर में कहां से आ गया फिर?